नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैकडोनल्ड्स ब्रांड की शुरुआत में तीन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा, दो भाई मॉरिस मैकडोनल्ड, रिचर्ड मैकडोनल्ड और रे क्रोक। जहां मॉरिस मैकडोनल्ड और रिचर्ड मैकडोनल्ड ने मैकडोनल्ड्स ब्रांड की शुरुआत की, उस समय के कुछ बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ पहला मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट खोलकर रे क्रोक वो इंसान है जिन्होंने मैकडोनल्ड्स ब्रांड की शुरुआत तो नहीं की, पर अमेरिका में और दुनिया के दूसरे कोनों में आज जो हजारों मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट हैं वो रे क्रोक की अनंत मेहनत के ही कारण है। दो भाई मॉरिस मैकडोनल्ड और रिचर्ड मैकडोनल्ड ने मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की शुरुआत कैसे की, गोल्डन आर्चेस लोगों की हिस्ट्री क्या है, क्या वो ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट थे जिसने मैकडोनल्ड्स ब्रांड को इतना सफल बनाया, ये जानने के लिए द स्टोरी ऑफ मैकडोनल्ड्स का पहला पार्ट जरूर देखें। आज द स्टोरी ऑफ मैकडोनल्ड्स पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा रे क्रोक की कहानी, जो वो इंसान है जो मैकडोनल्ड्स के फाउंडर ना होते हुए भी मैकडोनल्ड्स के फाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी सिस्टम शुरू किया, उसे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में एस्टेब्लिश किया। और आज जब आप किसी मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो विदेश में, जो आप एकदम चमकते दमकते स्टाफ को देखते हैं, परफेक्शन से काउंटर के पीछे असेंबली लाइन स्टाइल में बर्गर बनते देखते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंच फ्राइज बनते देखते हैं, ये सब रे क्रोक के मैकडोनल्ड्स ब्रांड के एक्सपेंशनिज्म का नतीजा है। और दोस्तों, इस सब क्रांति की शुरुआत रे क्रोक ने की जब वो 52 साल के हो चुके थे। हाँ जी दोस्तों, वो उम्र जब लोग रिटायरमेंट के बचे हुए साल गिनना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रे क्रोक के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी, उनकी ऑटोबायोग्राफी ग्राइंडिंग इट आउट से। ईयर 1922 टू 1939, सेलिंग पेपर कप्स, सेलिंग रियल एस्टेट एंड प्लेइंग पियानो। रे क्रोक जब वो 20 साल के थे, तब से करीबन 17 साल तक पेपर कप्स भेजते थे। वो पेपर कप्स जो आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सेल्स में इतने एक्सपर्ट थे कि वो लिली ट्यूलिप कंपनी जिसमें वो काम करते थे उसमें सेल्स डिपार्टमेंट के टॉप पे पहुंच गए। वो क्या सेल्स टेक्निक यूज करते थे, इस पे तो पूरा एक वीडियो बन सकता है, पर ब्रीफ में मैं ये बता सकता हूं कि वो कभी भी सही अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं थे और मेहनत करने से कभी कतराते नहीं थे। जब वो लिली ट्यूलिप कंपनी में थे, पेपर्स कप्स बेचते थे, तब जब विंटर्स में पेपर्स कप की सेल बहुत कम हो जाती थी तो वो रियल एस्टेट के बेस्ट एजेंट बन जाते थे। इवन पेपर कप्स बेचते हुए भी अपनी इनकम को सपोर्ट करने के लिए शाम को वो होटल्स और क्लब्स में पियानो बजाते थे। तो कड़ी मेहनत करना जैसे उनके खून में था। उनका ये मानना था कि इंसान अपनी हैप्पीनेस के लिए भी खुद जिम्मेदार है और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी। सही अपॉर्चुनिटी को वो कभी जाया नहीं जाने दिया करते थे, चाहे फिर वो जब पेपर कप्स बेच रहे थे तब का समय था, या तब जब वो पेपर कप्स कंपनी में टॉप पे थे, 17 साल बिता चुके थे, एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। जब उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली क्लाइंट्स और कस्टमर्स को मल्टी मिक्सर्स बेचने की। मल्टी मिक्सर वो मशीन थी जो मिल्क शेक जैसे प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को बहुत आसान कर देती थी। दोस्तों, एक अच्छी खासी वेल पेइंग जॉब छोड़ना, एक सिक्योर लाइफस्टाइल को छोड़ना बहुत आसान नहीं होता, पर रे क्रोक का मानना था कि जब तक आप रिस्क टेकिंग रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, पर जब आप रिस्क लेना बंद कर देते हैं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और यही कारण था कि उन्होंने ये रिस्क टेकिंग डिसीजन लिया। और दोस्तों, उनका ये रिस्क टेकिंग डिसीजन मल्टी मिक्सर बेचने का वो रास्ता बना जो उन्हें आने वाले समय में मैकडोनल्ड ब्रदर से मिलवाएगा जिन्होंने मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। शुरुआत तो उन्होंने की, पर वो रे क्रोक ही थे जिन्होंने मैकडोनल्ड ब्रांड को वर्ल्ड रेनाउंड ब्रांड बनाया। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। ईयर 1940 टू 1954, सेलिंग मल्टी मिक्सर्स एंड मीटिंग विद मैकडोनल्ड ब्रदर्स। साल 1940 में जब वो 37 साल के थे, उन्होंने वो कंपनी जिसमें वो 17 साल से काम कर रहे थे वो छोड़ दिया और एक अपकमिंग प्रोडक्ट मल्टी मिक्सर के एक्सक्लूसिव सेल एजेंट बन गए। उन्होंने एक कंपनी प्रिंस कैसल सेल्स बनाई जिसमें उनका शेयर मात्र 40% था। बाकी का 60% शेयर उस कंपनी का था जिन्होंने उन्हें मल्टी मिक्सर प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव सेल एजेंट बनाया था। दो अरेंजमेंट उनके मन मुताबिक नहीं था, पर उन्हें यह अपॉर्चुनिटी उस समय इतनी अच्छी लगी कि वो किसी भी कीमत में उसे परस्यू करना चाहते थे। और फिर क्या था, वो एक परफेक्ट सेल्समैन थे। जैसे पहले उन्होंने पेपर कप सक्सेसफुली बेचे और बहुत ही बेहतरीन कस्टमर्स और क्लाइंट्स बनाए, अब उन्होंने मल्टी मिक्सर सक्सेसफुल बेचना शुरू कर दिया। फर्क इतना था कि जब वो पेपर कप्स बेचते थे तो वो सैंपल ऑफ पेपर कप्स अपने ब्रीफ केस में कैरी कर लेते थे। अब उन्हें 50 किलो से भी ज्यादा वेट का मल्टी मिक्सर अपने साथ हर जगह कैरी करना पड़ता था। शुरुआत में काम बहुत अच्छा था,
पर वर्ल्ड वार के दौरान उनका काम ठप सा हो गया। और जैसे मैंने बताया कि रे क्रॉक कभी हार नहीं मानते थे, उस समय उन्होंने कुछ अल्टरनेट काम शुरू कर लिया, पर वर्ल्ड वार के बाद जब काम रिवाइव हो गया तो उन्होंने फिर से मल्टीमिक्सर का सेल शुरू कर दिया और साल 1949 में उन्होंने करीबन 8000 मल्टीमिक्सर बेचे। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था और एक दिन जब उन्हें अपने ऑफिस में पता चला कि उनके पास एक कस्टमर का 8 मल्टीमिक्सर का ऑर्डर आया है तो वो बहुत हैरान रह गए, क्योंकि वो ज्यादातर अपने कस्टमर्स को 1 या 2 मल्टीमिक्सर ही बेचते थे। 8 मल्टीमिक्सर किसी को क्यों चाहिए और वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा, वो खुद इस अद्भुत रेस्टोरेंट को देखना चाहते थे और उन्होंने वहां जाने का प्लान किया जहां ये मल्टीमिक्सर चाहिए थे। वो था मैकडोनल्ड्स ब्रदर का रेस्टोरेंट। दोस्तों, रे क्रॉक की वो विजिट उन्हें एक और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाएगी और फास्ट फूड इंडस्ट्री का लैंडस्केप हमेशा के लिए चेंज कर देगी। रे क्रॉक 52 साल के थे जब वो उस अद्भुत रेस्टोरेंट का विजिट करने पहुंचे और इस बार तो वो बिल्कुल अचंभित रह गए। उन्होंने जिस तरह का रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड ब्रदर्स मॉरिस और रिचर्ड ने बनाया हुआ था वैसा अभी तक अमेरिका में कहीं नहीं देखा था। उनके रेस्टोरेंट में कुछ ऐसी खूबियां थी जो उन्हें समय से कई आगे ले जाती थी। लिमिटेड मेन्यू, सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट, लेस लेबर इंटेंसिव सिस्टम, स्पीडी सर्विस सिस्टम, लो प्राइस पॉइंट, इन सब के साथ साथ उनके हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज जो उनके मेन प्रोडक्ट थे उनका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त था। रे क्रॉक का कहना था कि ऐसी फ्रेंच फ्राइज उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं खाई। और दोस्तों, मैकडोनल्ड्स ब्रदर का ये रेस्टोरेंट देखकर और रिचर्ड और मॉरिस से मिलकर उन्होंने एक बार फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी जो उन्हें लगा उनके एम्बिशंस को पूरा कर सकती है। उन्होंने मैकडोनल्ड्स ब्रदर को प्रपोज किया कि वो उनके इस रेस्टोरेंट मॉडल को पूरे अमेरिका में रेप्लिकेट करना चाहते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम के माध्यम से। दो मैकडोनल्ड्स ब्रदर एक्सपेंशन को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं थे, पर रे क्रॉक के स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ने उन्हें कन्विंस कर लिया और रे क्रॉक और मैकडोनल्ड्स ब्रदर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। दोस्तों, ये वो समय था जब रे क्रॉक 52 साल के थे, उन्हें डायबिटीज थी और भी कई बीमारियां जो बढ़ती उम्र के साथ आ जाती है, पर उस समय भी उनमें एक 20 साल के लड़के जितना एंथुसिएज्म था और वो ये मानते थे कि बेस्ट तो अभी आने वाला है। यही सोच के साथ उन्होंने मैकडोनल्ड्स ब्रांड को, जो उन्होंने खुद तो फाउंड नहीं की पर एक्सपेंड जरूर की, शुरू में मैकडोनल्ड्स ब्रदर के साथ मिलकर और बाद में इंडिपेंडेंटली पूरे अमेरिका में एस्टेब्लिश किया। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश किए। बहुत दिक्कतें भर भी आई, पर सभी दिक्कतों का सामना करते हुए उन्होंने वो किया जो वो करना चाहते थे। इसलिए शायद मैकडोनल्ड ब्रांड का फाउंडर ना होने के बावजूद उन्हें मैकडोनल्ड्स का फाउंडर माना जाता है। दोस्तों, रे क्रॉक एक ऐसे इंसान हैं जिनके जीवन से कुछ बहुत बेहतरीन सीख हमें मिलती है, जिसे जाने बिना और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए बिना उनकी कहानी जानना अधूरा सा है। लर्निंग्स फ्रॉम रे क्रॉक लाइफ। एज लॉन्ग एज यू आर ग्रीन यू ग्रो, व्हेन यू बिकम राइप यू रोट। रे क्रॉक का मानना था कि उनके जीवन में उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था उनका ये मानना कि जैसे एक फ्रूट जब तक ग्रीन होता है वो ग्रो होता रहता है, पर जब वो पक जाता है मतलब राइप हो जाता है, उसके रोट होने का मतलब सड़ने का समय आ जाता है। सिमिलरली, अगर आप अपने जीवन में ग्रीन रहेंगे मतलब ग्रो करते रहेंगे तो वो नौबत नहीं आएगी कि आपको आपकी जिंदगी सड़ी हुई लगे। उन्होंने 17 साल पेपर कप इंडस्ट्री में काम किया, वहीं से रिटायरमेंट ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मल्टीमिक्सर जैसे नए और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में एक नई शुरुआत की। उसमें सही बिजनेस कर रहे थे और उसी में भी सेटल हो सकते थे, पर नहीं, 52 साल की उम्र में एक नई अपॉर्चुनिटी रेस्टोरेंट बिजनेस में आए और फिर उसमें भी अपार सफलता पाई। कीप शार्प अपीयरेंस। उनका मानना था कि एक सेल्समैन को अपने प्रोडक्ट से पहले खुद को बेचना होता है, अपने कस्टमर या क्लाइंट के सामने एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बना के, और ये तभी हो सकता है जब आप हर रोज एक बहुत ही शार्प अपीयरेंस कैरी करें, मतलब साफ सुथरे आयरन्ड कपड़े, वेल पॉलिश शूज, हेयर कॉम्ब एंड नेल क्लीन। दोस्तों, अब आज के मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में ये शायद उनकी ही देन लगती है कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उसमें अगर सभी स्टाफ के अपीयरेंसेस को आप कंपेयर करोगे तो मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट के स्टाफ की अपीयरेंस आपको सबसे शार्प लगेगी। एज इज जस्ट ए नंबर। आपकी उम्र क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये है कि आप चाहते क्या हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। अगर आप अपने सपनों के पीछे पड़े रहो तो किसी भी उम्र में जाकर उसे पूरा कर सकते हो, जैसे रे क्रॉक ने 52 साल की उम्र में वो किया जो शायद लोग अपनी जवानी में भी करने की नहीं सोच सकते।
तो दोस्तों ये थी रे क्रोक की कहानी ब्रीफ में उन्हीं की जुबानी उनकी ऑटोबायोग्राफी ग्राइंडिंग इट आउट से। अगर आप उनकी कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। दोस्तों अगर आप इस किताब के अलावा जितनी भी किताबों पे मैंने अब तक एनिमेटेड वीडियोज बनाए हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो स्टोरी राइट्स के एक्सक्लूसिव अमेजोन स्टोर फ्रंट पे जाकर खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदिए और पढ़िए क्योंकि स्टोरी राइट्स चैनल का ये विश्वास है कि ये बुक कैन चेंज योर लाइफ। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए रे क्रोक जैसे कुछ और बिजनेस आइकन्स के नाम जिन्होंने एक ऐसी एज में बिजनेस स्टार्ट किया जिस एज में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए स्टोरी राइट्स चैनल के फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।